अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़मीननामा। सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आज हम मॉडल कॉलोनी में आए हैं और आपको जो टूर कराएंगे वो बेसिकली 120 गज़ पे घर मुश्तमिल है और कॉर्नर का घर है, वेस्ट ओपन है और बड़ा ख़ूबसूरत घर है। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर पर अकोमोडेशन है वो 2 बेड ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है। दैन जो फर्स्ट फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर भी एज इट इज़ 2 बेड विद अटैच बाथ, दैन ड्राइंग रूम, दैन डाइनिंग एरिया। इसके जो कमरे हैं वो स्टैंडर्ड है, 11 बाई 12 जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। दैन इसके जो फॉल सीलिंग है उसके साथ जो कलर कम्बिनेशन है वो बड़ा आउट क्लास है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो कैबिनेट्स का वर्क है, एक्रेलिक का वर्क, वो भी बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। तो आप हमारे घर को विज़िट कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे आप आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, हम आ चुके हैं इस घर के अंदर और ये आप देख सकते हैं कारपोर्ट्स बना हुआ है क्योंकि घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको हम दिखाते हैं, ये इसका पाउडर रूम हो चुका है जो कि अभी इन प्रोसेस है। देन आपको हम ये दिखाते हैं, एक्रेलिक वर्क हो चुका है, एक्रेलिक वर्क देख सकते हैं आप और ये दरवाज़ों की क्वालिटी है। आपको सेकेंड रूम में लेकर चलते हैं। ये सेकेंड रूम है, आप इसके फ्लोरिंग देख सकते हैं, टाइल्स की चाइनीज़ टाइल लगे हुए हैं 2 बाई 2 के। कलर अच्छा किया हुआ इन्होंने, वो भी इसका फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत फॉल सीलिंग हुई हुई है क्योंकि हर रूम के साथ अटैच बाथ है तो इस रूम में भी अटैच बाथ अवेलेबल है। देन हम आपको इसकी वॉशिंग एरिया लेके चलते हैं, कितना खुला वॉशिंग एरिया है आप डक देख सकते हैं। मतलब आप अच्छा खासा इन्होंने स्पेस दिया है वॉशिंग एरिया का। अच्छा व्यूअर्स, आपको हम लेके चलते हैं इस घर के ड्राइंग रूम में। इसके ड्राइंग रूम की आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, नाइस फ्लोरिंग की हुई है। दैन इसकी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, फॉल सीलिंग कितनी अच्छी की हुई है क्योंकि कॉर्नर का घर है तो इन्होंने यहाँ पे विंडो दे दी है वेंटिलेशन के लिए। दैन ये फ्रंट की विंडो है, ये आप देख सकते हैं। दैन हम आगे चलते हैं इस घर के लॉन्च की तरफ। व्यूअर्स, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में आपको लेके चलते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है आप देख सकते हैं, कितनी नाइस फॉल सीलिंग यूज़ हुई हुई है। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ये होता है कि जो ड्राइंग रूम होता है उसका स्पेस बढ़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्राइंग रूम बन गया ऊपर। देन आपको मैं इस इधर से लेके चलता हूँ डाइनिंग एरिया में, इसका इस फ्लोर के ये आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया। ओहो, नाइस फॉल सीलिंग। ये इसका किचन देख सकते हैं आप, किचन ऊपर वाले का ऑलमोस्ट रेडी है। इसका वुडन वर्क देख सकते हैं, एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है किचन में। ये टर्बो की स्पेस इन्होंने छोड़ी हुई है। टाइल्स देख सकते हैं आप, किस तरह के टाइल्स लगे हुए हैं। ये स्मार्ट बेसन आ गया इनका और ये इसका डाइनिंग एरिया आ गया, बड़ा सा लॉन्च आ गया आपका, यहाँ पे आप सिटिंग करके खाना खा सकते हैं। देन हम इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रूम में लेके चलते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं कितनी स्मार्ट फॉल सीलिंग है। देन क्योंकि बैक पे इन्होंने वेंटिलेशन के लिए विंडो दे दी है, क्रॉसिंग के लिए कॉर्नर का हाउस था तो इधर भी विंडो है,
हवा का कोई इशू नहीं होगा इस घर में। ये टाइल की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं। देन ये इसका वॉशरूम है अटैच बाथ, और ये इन्होंने एक स्पेस दे दी है जिस पर आप क्लोजेट के लिए अपनी अलमारियाँ बना सकते हैं। देन आप ये देख सकते हैं सैनिटरी वर्क देख सकते हैं, ये रखा हुआ है अभी, टाइल्स देख सकते हैं। इस फ्लोर के आपको मैं सेकंड रूम में लेकर जाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर के इसकी फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं। इस पर भी वर्क इन प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं वॉशरूम अभी बन रहा है। इसकी भी आपको मैं टाइल्स दिखा सकता हूँ, हर वॉशरूम की डिफरेंट टाइल्स यूज़ की गई हैं। कि आप छत देख सकते हैं, इस पर भी प्योर एसएस का काम हुआ हुआ है। बीबी बीम निकले हैं पिलर्स, तो इस पर आप बनाना चाहें फर्स्ट सेकंड फ्लोर तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इसकी छत अच्छी खासी स्पेस से, वैसे ओपन घर है, और ये पानी की टैंक दिया हुआ है इन्होंने।